और आज की बहुत ही शानदार सी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। और ये चैप्टर भी सब्जेक्ट भी खत्म होने का कारण मैंने कहा कि आपका सिलेबस करीब 95% खत्म हो चुका है, तो लास्ट के दो चैप्टर बचे हैं चैप्टर नंबर 11 एंड 12। आज हम लोग सेकेंड लास्ट यानी चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्बल कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इसके हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, गोरेला दीपक और युवराज गुड इवनिंग, सिर्फ आप ही लोग लाइव है अभी तक। तो इस क्लास में आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आज खत्म करें क्योंकि काफी दिनों बाद हम आज लाइव क्लास चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे क्लास शुरू करते हैं, कैसे डिस्कस करते देख लेते हैं। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स का मतलब नाम से लग रहा है कि देखिए ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे सुपर फेशियल। थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए होता क्या है कि आपने बहुत सारी जड़ी बूटियां पढ़ी हैं जो दवाइयां बनती हैं, मेडिसिन अलग अलग तरह की, अलग हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, जो कहां से मिलते हैं, प्लांट से, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हर्बल्स। तो आज हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो दवाइयों की नहीं, जो कॉस्मेटिक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी कॉस्मेटिक क्या होता है? कॉस्मेटिक एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी पदार्थ जो शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, शरीर की साफ सफाई के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं उसे कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल फीमेल्स ही कॉस्मेटिक यूज करते हैं, मेल्स भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं। ठीक है, आपके पाउडर, क्रीम, लोशन, लिनिमेंट और आपके नेल पेंट, लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सभी जो होते हैं वो कॉस्मेटिक्स में आते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ उन हर्बल ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक के तौर पर किया जाता है, आकर्षण के तौर पर किया। तो हमारे सिलेबस में देखा जाए तो हर्बल कॉस्मेटिक में हमको बेसिकली क्या क्या पढ़ने हैं, एलोवेरा आप जानते हो जो सिलेबस में है, एलिमेंट ऑयल जिसको हम लोग एलिमेंट ऑयल लगाते हैं, बजाज एलिमेंट ऑयल आता है, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड, चंदन के साबुन, चंदन की तेल, ये 5-6 प्रोडक्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। पहला अपना प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट आपने सबने देखा है, ठीक है, इसी को दिखाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के घर में गमलों में ये लगे होते हैं एलोवेरा, और एलोवेरा का जो जूस वगैरह बाबा रामदेव बहुत बेचते हैं, ये शैम्पू में, साबुन में, फेस वॉश में और बहुत सारे चीज कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं, ऐसी क्या खूबी है इसमें, इसी को हम यहाँ पे समझने वाले। सबसे पहले बात करेंगे एलोवेरा कहां से मिलता है। ये एलोए प्लांट का नाम है एलोए को, एलोए बारबाडेंसिस, अलग अलग स्पीशीज की प्लांट होती है, उस प्लांट की पत्तियों से निकाली जाती है, जो पार्ट आप यूज करते हैं वो पत्तियां बोलते हैं। और ये स्किन को घाव में भरने और स्किन को सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे मोटा मोटा इस्तेमाल चाहिए। घास मिलता है, इट इज द ड्राइड जूस ऑब्टेन बाय द इंसिजन फ्रॉम द बेसिस ऑफ लीफ। तो पत्ती होती है, उस पत्ती को बीच से फाड़िए, इंसिजन दीजिए, जो उसके अंदर गुदा है उसको निकालते हैं, वही एलोए, उसके जूस को निकाला जाता है एलोए वेरा प्लांट से, या एलोए बारबाडोसिस, या एलोए पेरी, या एलोए फेरॉक्स। चार स्पीसीज है एलोए की, एलोए वेरा, एलोए बारबाडोसिस, एलोए पेरी और एलोए फेरॉक्स, जिसमें से एलोए वेरा और एलोए बारबाडोसिस बहुत कॉमन है इंडिया। ठीक है, यहां से मिले जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्या है फैमिली होती है इसकी एलोवेरा की, लिलिएसी, जो हमारे घास फूस वाली फैमिली है। इसमें से बेसिकली कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें एलोएंस पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एलोएंस जो होते हैं खास तौर पे उसके आइसोमर्स पाए जाते हैं। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन कौन से एलोएंस, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन और आइसो बारबेलोइन। ये बारबेलोइन जो एलोइन है उसका नाम है बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन और आइसो बारबेलोइन। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मिलते हैं, यही तीनों हमारे कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, एस्ट्रिंजेंट के तौर पे, फोड़े फोड़े करने के लिए, एक्ने वगैरह के लिए, कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन से हैं, एलोए रेजिन भी है, एमोडिलिस है और एलोए एमोडिन, यानी बेसिकली एलोएंस होते हैं बारबेलोइन। इसके अलावा इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट में एलोए रेजिन, एमोडिन और इसके साथ साथ एमोडिन, एलोए एमोडिन पाए जाते हैं, बस आपको यही लिखना है। तो अब पूरे एलोवेरा से कौन कौन से प्लांट से क्या मिलता है, एलोवेरा के लीफ जो है वो वॉशिंग और ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैसे हम एलोवेरा से उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। भाई आपके पास गमले में एलोवेरा के पौधे पत्ती है, उसको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे हम कॉमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव जो बना बना के शैम्पू क्रीम बेच रहे हैं, क्या आप बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं आप, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कॉमर्शियली में। पहला है कि एलोवेरा के लीफ को छांटिए,
जो अच्छी पत्तियां हैं, फ्रेश पत्तियां हैं, सूखी नहीं है, इसमें दाग नहीं लगा, उसको निकालिए और इसको निकाल के काटिए और इसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद ट्रिमिंग करना है, ट्रिमिंग मतलब पतले पतले पीसेस में उसको काटने हैं, अलग अलग पीसेस में उसको काटने हैं। ट्रिम करने के बाद उसको फिल्टरिंग करना है, यानी उसको छानना है। छान करके उसमें से जो उसका जेल था, पत्ती पत्ती निकाल जो अंदर का गूदा है, उस जेल को एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्सट्रैक्ट किया, अब उसमें से जो क्रूड जेल निकला, उस क्रूड जेल को हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, उसमें बहुत सी गंदगी मिक्स हो सकती है, प्यूरिफाई करेंगे, फिर वैक्यूम में डाल करके हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे ताकि केवल हमें जूस प्राप्त हो, फिर वो प्योर जेल के फॉर्म में प्राप्त होगा और उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, वो क्यूब्स के फॉर्म में हमारे पास ऑप्टेन होता है और उसे हम कंटेनर में रखते हैं। ये हो गया हमारा एलोवेरा। अब इसको ट्यूब्स हमें मिला, इसका हम शैम्पू बना सकते हैं, इसका हम क्रीम बना सकते हैं, इसका हम साबुन बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम्स हम बना सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कैसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं एलोवेरा का, तो आपको यही स्टेप सारे देखें। अब बात कर लेते हैं इसके थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक यूज का, किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत मल्टीपर्पज होता है एलोवेरा, मल्टीपर्पज है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल है दोस्तों? पहला परगेटिव के तौर पर, यानी किसी को अगर लैट्रिन वगैरह नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप एलोवेरा का जूस पिलाइए, उसको लैट्रिन होने में हेल्प करेगा, यानी ये परगेटिव की तरह काम करता है। दूसरा ये एंटी हेमरेंटिक है, मतलब कि अगर किसी के पेट में कीड़े उड़े लग गए हो, बच्चे को लैट्रिन हो रही है, कीड़ा प्रॉपर है, तो आप एंटी हेमरेंटिक की तरफ दे सकते हैं, एल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं। इसके साथ ये इन प्रेशर अल्सर, अगर किसी व्यक्ति को अल्सर की प्रॉब्लम है, घाव की या पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, उसको भी हम दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्किन में कोई जल गया है, कोई घाव हो गई है, कोई खुजली हो रही है, वहां पे भी इसको हम दे सकते हैं। किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, हम वहां भी एलोवेरा दे सकते हैं। स्किन को सॉफ्ट करके स्किन की प्रॉब्लम से बचाता है। ब्लड सर्कुलेशन, किसी इंसान को शैम्पू लगाते हैं, तो शैम्पू में अगर किसी का बाल झड़ रहा हो, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, स्कैल्प को हेल्प करेगा, हेयर को सॉफ्ट करेगा, यानी कई तरह के मल्टीपर्पज इसका इस्तेमाल होते हैं। ड्राई स्किन, किसी व्यक्ति की स्किन बहुत रूखी होती है, ठंडियों में बहुत रूखी होती है, उस पर इसको लगाया जाता है। इसके साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन को बचाता है। यानी एक एलोवेरा जो आपके गमले में है, इसका इस्तेमाल असली में बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, पतंजलि के ढेर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट, और बहुत पैसे कमाए। तो एलोवेरा मल्टीपर्पज चीज है जिसको आप कॉस्मेटिक लाइन में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल की तरफ बढ़ते हैं। लेवेंडर ऑयल देखा जाए तो तेल होता है, जो तेल बेसिकली किसी को अगर फोड़े फुंसी हो रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो, उस केस में लगाते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ये स्लीप प्रमोशन भी करता है। अगर आप इसको माथे वगैरह में लगा के सोइए, नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस को रिलीज करता है। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सोर्स क्या है? लेवेंडर ऑयल जो है वो बेसिकली एक फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। प्लांट का नाम है लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। लौंडा होते हैं ना, सकते काम करते हैं लौंडा, उसी तरह से लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस है। लौंडा ऑफिस जाता है, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस याद करिएगा। उस प्लांट के फ्लावर से स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इस तेल को निकाला जाता है। अभी लेवेंडर ऑयल देखिए, ये पौधा आपने शायद कहीं देखा होगा, इसके फूलों से ये ऑयल निकाला जाता है, तेल निकलता है। मार्केट में बहुत महंगा तेल बिकता है भैया। फैमिली होती है लेमियेसी, इस प्लांट से फैमिली से लेमियेसी। क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें? बेसिकली एरोमेटिक्स मिलते हैं। जो भी तेल होती है ना, जितने भी तेल होते हैं उसमें होते हैं क्या, वोलेटाइल ऑयल्स, यानी कि एरोमेटिक्स, यानी कि जो खुशबू देते हैं। और ये एंटी स्पास्मोडिक भी है, यानी पेट वगैरह अगर दर्द है, ऐठन है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं लिनिल एसिटेट, लिनालूल और कैम्फर। तीन चीजें होती है, लिनालिल एसिटेट, लिनालूल और कैम्फर, ये तीन चीजें इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें यही पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करेंगे। जावेद पूछता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एलोवेरा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लेवेंडर ऑयल, कैसे इसको मार्केट में बनाते हैं, कैसे बना के बेचते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस जिसमें मैंने पहले बताया था। सबसे पहले खेत से इस फूल को काटिए, तोड़िए, हार्वेस्टिंग करिए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करिए मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो फूल के सूखे हुए भाग, उसको रटनी करिए, क्लीन करिए, ग्राइंडिंग करिए, साफ करने के बाद उसको प्यूरिफाई करिए, वेसल में रखिए, स्टीम डिस्टिलेशन करिए, और डिस्टिलेशन करने के बाद एक जार में इस तेल को आप ऑब्टेन करेंगे, इकट्ठा करेंगे बस। उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कीजिए, वाटर को फिल्टर कीजिए और लेवेंडर ऑयल को प्राप्त कीजिए। थेरेपेटिक यूज की बात कर लेते हैं, कहां कहां इस्तेमाल है। ये हीलिंग वॉर्म्स, किसी को जल गया हो, कोई चोट हो, कोई घाव हो, कोई कट गया हो, वहां पे इस तेल को लगाया जाता है।
इसके साथ साथ ये इन्फ्लामेटरी मटेरियल को, इन्फ्लामेशन को, कहीं पे भी सूजन हो, स्वेलिंग हो, खुजली हो, इचिंग हो, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। ब्लड प्रेशर हाई हो उसमें भी ये इस्तेमाल करने से फायदा मिलता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। बालों के ग्रोथ के लिए, क्योंकि कॉस्मेटिक है तो हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी को जोड़ों में, घुटनों में दर्द है तो उसमें भी इस तेल की मालिश करने से आराम मिलता है। अब अगला है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आप जानते हैं, बादाम का तेल जो है, आप लोग आलमंड ऑयल बजाज आलमंड ऑयल लगाते हैं, क्योंकि ऑयल लगाते हैं, वो तेल हेयर के लिए बड़े अच्छे हैं, स्किन के लिए अच्छा है। तो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है वो एक तरह से ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मालिश वालिश करने के लिए बड़ा काम आता है और बहुत ही पावरफुल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स में पाया जाता है। आलमंड ऑयल जो होते हैं बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम के लिए दूर करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक करते हैं, देखिए आपको सामने लिखा हुआ, फ्री रेडिकल डैमेज करते हैं, आपको कैंसर से बचाते हैं, बॉडी का वेट मेंटेन करते हैं, इसके साथ साथ ये एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं। अगर आपके स्किन रूखी हो तो आप उसको लगाने से आप मॉइस्चराइजर के सन डैमेज से बचाते हैं, कहीं धूप में जा रहे हैं इसको लगाने से आप धूप से बचेगी, इस तरह से काम। देखिए बादाम देख रहे हैं और ये बादाम का तेल है, भाई ये बादाम ही महंगा है और बादाम में बहुत सारी खूबियां हैं तो बादाम के तेल में भी बहुत सारी खूबियां होंगी, ये जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो इसकी बात कर ले, बेसिकली दो प्रकार के बादाम होते हैं, एक मीठा बादाम एक कड़वा बादाम। स्वीट एलिमेंट जो होते हैं ये बेसिकली स्किन डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है प्रैनस एमिनबुलस। और एक बिटर एलिमेंट होता है, ये टॉक्सिक डिराइव फ्रॉम द ये एलिमेंट ट्री प्रैनस एमिनबुलस से मिलता है और ये बेसिकली मेडिसिनल पर्पज से बिटर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और स्वीट एलिमेंट का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फैमिली होती है रोसेसी, फैमिली क्या है दोस्तों, रोसेसी। क्या है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दोनों प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं बिटर और स्वीट, दोनों में लगभग फिक्स्ड ऑयल 40 से 50% के आसपास है, प्रोटीन 20% है, इसके साथ साथ म्यूसिलेज और एवल्सिन भी पाया जाता है। ठीक है, बिटर एलिमेंट में देखा जाए तो कुछ लेस क्रिस्टलाइन साइलोजेनिक ग्लाइकोसाइड और एमिग्डालिन पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें, कैसे बादाम से बादाम का तेल निकालते, ये चीज समझना है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो बादाम है उसको निकालेंगे, उसको करीब धूप में 2 दिनों तक सुखाएंगे और करीब फिर 2 दिन सुखाने के बाद 105 डिग्री पे हम इसको सुखाएंगे 2 घंटे के, ताकि इसमें से सारा मॉइस्चर वगैरह निकल जाए। फिर उसको पीसेंगे, जब पीसेंगे बादाम को तो वो आटे में कन्वर्ट हो जाएगा, उस आटे को चालेंगे और चालने करीब उसको राउंड बटन फास्ट जो होता है आरबीएफ उसमें इसको हम रखेंगे। रखने के बाद उसमें 300 ml डालते हैं एक लिक्विड, इसका नाम है हेक्सेन, हेक्सेन को डाल के उसको गर्म करते हैं, हेक्सेन सॉल्वेंट की तरह है, जब गर्म करते हैं 4 घंटे गर्म करने के बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से तेल निकल के बादाम का तेल हमें प्राप्त होने लगता है। ठीक है, ये है प्रोडक्शन का तरीका। अब बादाम के तेल का इस्तेमाल क्या है, क्या इसका थेरेपेटिक यूज है, क्या इसका कॉस्मेटिक यूज है, इसको देख लेते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून बूस्टर है, अगर आप पीते हैं खाते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर पे लगाते हैं तो इन्फ्लेमेशन काम करता है, कोलन कैंसर को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं, हार्ट डिजीज में एडियल लेवल कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए स्किन ड्राई और अदर कॉमोडिटीज स्किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइनर इंजरी है, कहीं चोट है घाव है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें बायोटिन पाया जाता है क्योंकि बायोटिन बालों के विकास के लिए अच्छा होता है, इसलिए जो आप इसका तेल लगाते हैं आलमंड ऑयल तो बालों के लिए अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो इसके कारण ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी कम करता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है रोजमेरी ऑयल। हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट पढ़ लिया, आलमंड ऑयल पढ़ा, उससे पहले एलोए पढ़ा और लेवेंडर ऑयल पढ़ा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है रोजमेरी ऑयल। जैसे रोजमेरी बाकी से ऑयल होते हैं, इसमें रोजमेरी ऑयल है, ये पीले रंग का लिक्विड होता है जो कि रोजमेरी प्लांट से निकाला जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है हर्बेसियस एरोमा। ठीक है, उससे मिल जाता है, इसको हर्बेसियस एरोमा कहते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी काम करता है और बाकी इसका परफ्यूम बनाया जाता है क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू होती है। क्या है प्लांट का नाम है रेस्मेरिनियस ऑफिसिनेरिस रोजमेरी और बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड में इसे एसेंशियल ऑयल से निकाला जाता है। ये प्लांट आपने देखा होगा सर, ये फूल है, उस फूल से ये तेल निकाला जाता है, ये फिगर आपके सामने है, देखिए वहां से तेल निकाला जाता है और इसको प्लांट का स्ट्रक्चर। फैमिली की बात करें, फैमिली है लैमिनेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसमें, एसेंशियल ऑयल है, जिसमें से कि क्या अल्फा माइसरी 1,8-cyanol कैम्फर कैम्फीन और ट्राइनियोल और ब्रोनियोल, ये बेसिकली जो 4-5 कंपाउंड्स है ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है।
और इसके साथ साथ इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और एसेंशियल ऑयल भी इसमें पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूज की बात करें, क्या फायदा है, क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका पहले ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। देखिए स्किन में जब हमारा स्किन इलास्टिक होता है तो हमारे शरीर त्वचा जवान दिखती है, बुढ़ापे में झुर्रियां क्यों पड़ जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल करने से स्किन ताजा रहेगी, इलास्टिसिटी बनी रहेगी और झुर्रियां नहीं दिखाई देंगी, यानी आप जवान दिखेंगे इस तेल का लगातार इस्तेमाल करने से। मसल रिलीफ रिलैक्सेंट है, पेन रिलीफ करेगा, कहीं दर्द हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इसकी है और ये स्वेलिंग वगैरह को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और रेस्पिरेटरी हेल्थ में किसी को अगर अस्थमा वगैरह की दिक्कत है तो उसको इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल। ठीक है, ये हो गया इसका एप्लीकेशन। लास्ट प्रोडक्ट है सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल। चंदन की लकड़ी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है, तो चंदन की लकड़ी के बाद चंदन का तेल बनाया जाता है उससे। तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में ड्राइनेस को कम करता है, शरीर को रूखापन को दूर करेगा, मॉइस्चराइजिंग की तरह काम करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी कि आपको झुर्रियां नहीं पड़ेगी, आप जवान दिखेंगे। चंदन का तेल भी लगभग यही काम करता है। सैंडलवुड ऑयल से जो मिलता है मेन कंपाउंड वो है एसेंशियल ऑयल, जिसमें कि बेसिकली सेंटेलम एल्बम और सेंटेलम वुड, जिस प्लांट का नाम होता है सेंटेलम एल्बम, उस प्लांट से उसको निकाला जाता है। तो जो सैंडलवुड ऑयल है वो हार्डवुड यानी सैंडलवुड की जो बीज की लकड़ी होती है उसको हार्डवुड कहते हैं, उस हार्डवुड से बेसिकली निकाला जाता है सेंटेलम एल्बम से स्पीशीज से, और उसको एक्सट्रैक्शन करके इसको प्राप्त करते हैं। देखिए चंदन की लकड़ी है और चंदन की लकड़ी से निकाला गया तेल है जो कि इसके हार्डवुड से निकाला जाता है, यानी कि चंदन की लकड़ी के बीच वाले भाग को हार्डवुड कहते हैं। फैमिली है सैंटेलेसी, सेंटेलम एल्बम प्लांट का नाम, और सेंटेलेसी फैमिली है। कितने कॉम्पाउंड इसमें है, अल्फा सेंटेलॉल, बीटा सेंटेलॉल और सेंटोनील, ये तीन इसके बेसिक कंपाउंड है इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ आप देखेंगे कि ग्लूटाथियोन भी पाया जाता है, एस ट्रांसफरेज भी पाया जाता है और एसिड सॉल्युबल सल्फाइड्रिल ग्रुप्स भी इसमें पाए जाते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक यूज की बात कर ले, इसका इस्तेमाल एरोमा थेरेपी के लिए, खुशबू के लिए, किसी प्रोडक्ट में डाल दे तो खुशबू बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, क्रीम में, लोशन में, क्रीम डालते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इनसोम्निया, किसी को नींद ना रही हो चंदन के तेल थोड़ा सा लगाइए, आप देखो उसको अच्छी नींद आएगी। एंटी स्पॉस्मोटिक प्रॉपर्टी है, एंटी एसेप्टिक प्रॉपर्टी है। सैंडलवुड जो होता है बेसिकली ये किसी भी गंदे टेस्ट को, कोई गंदू कर रहा है वहां पे सैंडलवुड डाल दीजिए, महकता अच्छा है, तो उस गंदे टेस्ट को मास्क करने के लिए, गंदे महक को, ऑर्डर को मास्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसको हम ड्राई ब्यूटल डैमेज हेयर और हेयर ग्रोथ के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है ओलिव ऑयल, जिसको हम जैतून का तेल भी कहते हैं, जिससे बच्चों की मालिश की जाती है बच्चों। ओलिव ऑयल भी ढेर सारे इंग्रेडिएंट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्किन और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से मिलता है, ये रेपेन ओलिव प्लांट के, ओलिया यूरोपिया, इस प्लांट के फ्रूट से इसको निकाला जाता है, सीड्स से। देखिए ओलिव आप देख रहे हैं, जैतून और इसका तेल, ओलिव ऑयल आपने नाम सुना होगा बढ़िया था। ठीक है, फैमिली होती है ओलिएसी। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बहुत ज्यादा फैट के साथ साथ, इसमें कुछ क्वांटिटी में फैटी एसिड्स भी होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट्स और कुछ फ्लेवर कंपाउंड होते हैं जिससे खुशबू इसकी बड़ी होती है। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है स्क्वेलिन, हाइड्रोस्टेरॉल और टोकोफेरॉल, ये इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन ई इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे ओलिव ऑयल से कैसे हम तेल निकालते हैं, सबसे पहले उसके फ्रूट को लीजिए, उसको ड्राई कीजिए, उसको वॉश कीजिए, क्रश कीजिए, पीसिए और पीस करने के बाद उसको मेलाक्सिनेशन कीजिए, मिलाइए सारा कुछ, सेंट्रीफ्यूगेशन करिए, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, तो तेल अलग होगा उसको फिल्टर करके स्टोर करके हम उसको सीसी भर के आप टेक कर सकते। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक टूल्स, इसका इस्तेमाल देखते हैं बेसिकली आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जैसे साबुन बनाने में चंदन का तेल इस्तेमाल है, लुब्रिकेट बनाने में, कपड़ों में और लिनिमेंट्स में, प्लास्टर में, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये सस्पेंशन बनाने में भी इंजेक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं और ये सॉल्वेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में इस्तेमाल है। इमोलिएंट न्यूट्रिएंट मतलब कि हमारे मॉइस्चर डिवर्जेंट है, मॉइस्चर रखेगा, शरीर को नम रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, और जितने भी प्रकार के हेयर लॉस है या फिर कोई भी विटामिन ई की जो कमी है शरीर में उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये था ओवरऑल चैप्टर नंबर 11।